गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दसवीं कक्षा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने हमारा साइंस का टॉपिक पढ़ा था लेंस, लेंस के डिफरेंस, लेंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे लेंस को बनाना है, कौन सा लेंस लाइट रेज को प्रकाश के अंदर इकट्ठा करता है, कौन सा उनको फैलाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बच्चों उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, कहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ वस्तु रखनी है, वो सब पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे पास अवतल दर्पण में छह स्थितियां थी, छह हमने पोजीशन देखी थी जहां पे वस्तु रखनी है, बीम रखना है, इसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी छह स्थितियां हैं। तो उत्तल लेंस के लिए हमें छह स्थितियों के बारे में आज पढ़ना है। देखो बच्चों, कल हमने दो तीन चीजें देखी थी, मैं छोटा चित्र बनाता हूँ आपके लिए। ये हमारा उत्तल लेंस था, इसके मध्य में बिंदु O था प्रकाश के केंद्र, इस तरफ हमारा F1 था, इसे दुगड़ी दूरी पर हमारा 2F1 था, जिसको हम यहाँ C1 भी लिख सकते हैं। अगर आप C1 लिखना चाहते हैं तो C1 लिख सकते हैं। इस तरफ हमारा F2 था और इसे दुगड़ी दूरी पर है 2F2 था, या इसको हमें C2 भी कह सकते हैं। तो बच्चों छह स्थितियां होती हैं, जैसे हमने वहां बनाया था ऐसी टेबल हम यहां बनाते हैं। अब तो दर्पण के लिए आप उत्तल लेंस के लिए बीम की स्थिति होगी हमारी, बीम कह लीजिए, वस्तु कह लीजिए, एक ही बात है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। उसके बाद हमें बतानी है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कि वो कहां बनेगा, और उसकी प्रकृति के बारे में बताना है कि वो कैसा बनेगा। तो फिर छह स्थितियां हम पढ़ते हैं। हमारी पहली स्थिति है अनंत पर, अनंत के लिए हम एग्जांपल वही सूर्य को ले सकते हैं। उत्तल लेंस लीजिए, सूर्य के सामने रख के देखिए, तो आप देखेंगे कि मैंने कल भी एग्जांपल कहा था कि थोड़ी देर बाद कागज के टुकड़े के ऊपर हम रखते हैं वो क्या हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो अनंत से जब भी सूर्य की किरणें आएंगी तो प्रतिबिंब उसका F2 पर पड़ेगा। बच्चों क्या बनेगा, F2 पर। आकार कैसा होगा उसका, बिंदु आकार होगा, बिंदु साइज हो जाएगा बच्चों उसका, और उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अब दूसरी स्थिति बच्चों कि हम उसको कहां रखें वस्तु को, दूसरी स्थिति में है C1 से पीछे, C1 से परे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा उसका बच्चों, उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 और C2 के बीच में। F2 है C2 के बीच में, आकार में वो छोटा हो जाएगा, उल्टा होगा बच्चों और वास्तविक होगा। अब किसी प्रतिबिंब को वास्तविक या आभासी बनाने बताने के लिए मैंने पहले बताया था कि जब हम चित्र बनाते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो हम किरणें लेकर आएंगे क्या वो वास्तविकता में मिल रही है आगे, अगर वो आगे नहीं मिलेगी हम पीछे उनको आभासी मिलाते हैं। तीसरी स्थिति क्या होगी बच्चों अपनी, C1 पर प्रतिबिंब कहां हो जाएगा, C2 पर, आकार में बच्चों बराबर हो जाएगा, उल्टा रहेगा और वास्तविक होगा। अगली स्थिति क्या है बच्चों, हमारी अगली स्थिति है C1 और F1 के बीच में, प्रतिबिंब देखो बच्चों जब हमारा अनंत था F2 था, उसके बाद हम दोनों के बीच में चले गए C2 पर, C2 से आगे, C2 से आगे, यहां देखो बिंदु साइज का जो छोटा हुआ बराबर हो गया तो उसका मतलब कैसा है बच्चों, बड़ा, उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट हमारा बच्चों पांचवी पोजीशन F1 पर, जब जो F1 पर कोई प्रतिबिंब
वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। बड़ा हुआ, उल्टा हुआ, वह वास्तविक। और लास्ट कीजिए हमारी क्या बच्चों, F1 और O के बीच में और ये एक बार दूसरी त्रिज्या का केस है, जब F1 और O के बीच में होगी बच्चों वस्तु तो प्रतिबिंब आगे नहीं बढ़ेगा, काम रहेगा पीछे। लेंस या F1 की तरफ लिख सकते हैं हम, F1 की ओर या वस्तु की ओर लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। एक मंत्र ऐसे भी सभा बहुत बड़ा रहेगा बच्चों, यहां जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, सीधा रहेगा। और इस केस की मैं बात कर रहा था कि देखो हर जगह लाइनें मिलती हैं, मिलने आगे जाकर मिलती हैं तो वास्तविक रहता है और यहां कैसा बच्चों आभासी होगा। तो ये छह स्थितियां हैं हमारे बच्चों उत्तल लेंस के केस में, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर हम इससे प्रतिबिंब भी बनाने सीख रहे हैं। पहली स्थिति हमारी अनंत पर है, अनंत पर जब होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, उसकी प्रकृति का साइज कैसा हो जाएगा, बिंदु साइज हो जाएगा। इसके लिए हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, उल्टा होगा वास्तविक होगा। C1 के जो पीछे होगा यानी C1 से यहाँ पीछे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 और C2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब C1 पर होगा तो प्रतिबिंब C2 पर ही बनेगा, हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, बराबर का बनेगा और वास्तविक बनेगा। साइज में कैसा बनेगा, बराबर या प्रकृति और साइज भी लिख लो साथ में, तथा साइज क्योंकि उसका साइज का विवरण भी साथ में लिख लीजिए। C1 और F1 के बीच जब वस्तु होगी तो C2 से आगे चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा बेटा, उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। F1 पर वस्तु होगी तो अनंत पर चला जाएगा, बड़ा होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। F1 और O प्रकाशित हमारा बिंदु है जहां से कोई भी प्रकाश उसी की गुजर जाती है, जब वहां लेंगे तो F1 की ओर यानी लेंस लेंस के इधर ही बढ़ेगा, प्रकाश के बिंदु से पीछे ही आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, सीधा और आभासी हो जाएगा। तो ये छह स्थितियां हैं किसके केस में, उत्तल लेंस के केस में। अब इन छह स्थितियों से संबंधित हमें चित्र बनाएंगे, उनको देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। तो बच्चों लेंस हो गए, अगर हम चित्र बनाने की जाते बात करते हैं तो चित्र बनाने से पहले हम एक बार आपको दोबारा से उसके नियम बता देता हूं। हमने कल 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन ली थी, उसका मिड पॉइंट ढूंढा था, इस तरफ हमने 4 सेंटीमीटर ली थी F1 और इस तरफ C1 था, बिल्कुल इतने इक्वल पार्ट में भरा F2 का और उसे डबल भरा जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी हमें हाफ तत्व को सीधी लेके आनी है, और हाफ के बाद क्या जाएगी F2 की तरफ मुड़ जाएगी। जो समांतर आएगी मुख्य अक्ष के लेंस से अपवर्तन के बाद वो F2 हमारा जो मुख्य फोकस है राइट साइड पे वहां से मुड़ जाएगी। दूसरा क्या था, जो फोकस है उधर जाएगी, वो कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, समांतर F1 से जाएगी लेंस के अंदर अपवर्तन हुआ हो क्या होगी वो समांतर होगी। और तीसरा बिल्कुल आसान सा रूल, जो O से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, जो O से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो इन तीन नियमों का प्रयोग करके हम उत्तल लेंस के द्वारा जो हमारे 6 प्रतिबिंब बनेंगे उसकी पूरी तरह जानकारी हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। इस क्लास के अंदर आपकी सारी जानकारी को याद कीजिए, लिखिए। थैंक यू, हैव ए